अभी जयपुर में हूँ राजस्थान में, और मैं अभी यहाँ पर ये सामने एक MI रोड का सुंदर सा मस्जिद और ये पिंक सिटी जयपुर का अजमेरी गेट, यहाँ से ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से पुरानी सिटी में छोटी चौपड़ तक जाने वाले हैं, पूरा वीडियो देखे आपको मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं। ये यहाँ अजमेरी गेट पे बाइक वगैरह, यदि आपको कोई काम हो बाइक का, कुछ भी मॉडिफाई करना हो तो आप यहाँ से करा सकते हैं। ये यहाँ मार्केट है अंदर, जहाँ से ये अभी स्कूटी निकल के आई है। और ये यहाँ का अजमेरी गेट, जहाँ से सिटी की एंट्री शुरू होती है। आइए सिटी के अंदर चलते हैं इस गेट के अंदर से। और ये अजमेरी गेट से अंदर आते ही अंदर का पूरा मार्केट, पुराना सिटी शुरू हो जाता है। और इधर ये इंदिरा बाज़ार है, इंदिरा बाज़ार यहाँ से सिंह द्वार तक पूरा इंदिरा बाज़ार है। और यहाँ ये जैसे मैंने बात किया, ये आपको बाइक वगैरह कुछ भी काम है, ये गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ होता है, आप यहाँ से करा सकते हैं। आइए पुरानी सिटी को देखते हैं, अंदर चलते हैं। और ये अंदर की साइड से अजमेरी गेट ऐसा दिखाई देता है यहाँ से। और ये अंदर का पूरा मार्केट, पुरानी सिटी, यहाँ से ये दुकानें शुरू होती हैं। आप नंबर पे ध्यान देंगे ये दुकानों के नंबर से, तो यहाँ से ये दुकानें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये शुरू हो रही हैं दुकानें। और ये आगे तक पूरा मार्केट है। और ऐसा ये सामने है, आइए अंदर चलते हैं मार्केट के। और ये शानदार पुराना जयपुर पिंक सिटी, बहुत ही खूबसूरत ये शहर बसाया गया है। राजा ने जब बसाया होगा तो शायद ये पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा प्लान करके ये सिटी को बसाया लगता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए आप, ये जो दुकानें बनी हुई हैं और ये बाहर जो छज्जा लगा हुआ है, बाहर जो बरामदा बना हुआ है, ये ऐसा का ऐसा दोनों तरफ और पूरे जयपुर में जो अंदर जो पूरा मार्केट जो राजा ने बसाया, उसके अंदर ऐसा ही डिजाइन है सेम का सेम। ये देखिए, ये दुकानों के बाहर बरामदा और ऊपर पूरी रहने की और जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसकी भी ये भी यूज होती है। और ये यहाँ आंकड़ों का रास्ता, अब ये किस नाम से पड़ा है आइडिया नहीं है। और सामने है संघकों का रास्ता यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। अब ये नाम किसके ऊपर पड़े हैं उस टाइम के हिसाब से, या बाद में आगे चल के ये नाम रखे गए हैं जो अंदर गलियाँ हैं उनके नाम में बात कर रहा हूँ। जैसे ये आंकड़ों का रास्ता आपके सामने है, जो भी है आइए हमें देखना है सिटी को और अंदर चलते हैं। और इस मार्केट में ज़्यादातर आपको साइकिल की दुकानें मिलेंगी, बच्चों की साइकिल, बड़ों की साइकिल, ज़्यादातर दुकानें साइकिल की हैं, या बहुत सारी दुकानें साइकिल की ऐसे हम बोल सकते हैं। ये देखिए आप, और यहाँ ये कुंटेटो का रास्ता, और सामने बात करें तो अजब घर का रास्ता, सामने की गली में यहाँ पर अजब घर का रास्ता है। काफ़ी अलग तरह के नाम ये हैं। और ये फायर ब्रिगेड जा रही है, शायद कहीं कुछ हादसा हुआ होगा या जो भी है। आइए आगे चलते हैं सिटी के अंदर।
और यहाँ ये गवर्नमेंट का आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, इसी रोड के ऊपर गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, मुंबई आयुर्वेद हॉस्पिटल के नाम से। और ये इसके सामने पूरा व्यू, और ये एक और गली यहाँ पर, सौखियों का रास्ता और सामने आचार्यों का रास्ता। ये पूरे रास्ते में आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और ये पूरी सिटी का व्यू, मार्केट का बाहर जो है मेन रोड से जो व्यू दिखता है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर इसी रोड के ऊपर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस नाम से ये ब्रह्म कुमारी का स्थान है। यहाँ पर ब्रह्म कुमारी जिनका हेड क्वार्टर, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, माउंट आबू में है, राजस्थान के माउंट आबू में। मैं गया था पीछे तो देखा था मैंने, वहाँ पे इनका हेड क्वार्टर वहाँ पे है माउंट आबू में। यदि मैं गलत हूँ तो कोई आपको पता है जो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और सही हो तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ब्रह्म कुमारी का मेन जो इनका ऑफिस या मेन जो जगह है ये कहाँ है, क्या माउंट आबू में है। जो भी है ये यहाँ जयपुर पुरानी सिटी में इनका राजयोग प्रशिक्षण केंद्र है, ये राजयोग सिखाते हैं ये। और ये किसी धर्म को नहीं मानते हैं, एक तरह से सभी धर्मों में एक अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, जहाँ तक मुझे समझ है ब्रह्म कुमारी की। बाकी ये यहाँ का व्यू है, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल है। ये जब राजा ने ये शहर बसाया था उसी टाइम इस स्कूल को बनाया था, या ऐसे बोले ये 1930 में ये स्कूल बना था। ये शहर तो बहुत पहले बस गया था, तो 1930 में बना हुआ ये स्कूल हाई स्कूल, गवर्नमेंट द्वारा संचालित ये स्कूल है। काफ़ी सुंदर स्कूल को बाहर से बनाया हुआ है, और ये इसका मेन एंट्री मेन गेट है। 1930 में ये स्कूल बना था, महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल। और ये यहाँ कुछ बोर्ड लगा है, विद्यालय का समय 7:30 सुबह से 12:30 तक। और ये यहाँ तक स्कूल का ही दीवार है, वहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक। और ये यहाँ सामने छोटी चौपड़ आ गई अभी। और यहाँ यदि बात करें तो ये जैसे JDA ने बोर्ड लगा रखा है, सीधा जाएंगे इस छोटी चौपड़ से तो गणगौरी बाज़ार आता है। यदि हम राइट में जाते हैं तो त्रिपोलिया है, और लेफ्ट में जाते हैं तो चांदपोल बाज़ार है। ये यहाँ का इस बोर्ड के द्वारा, और यहाँ ये कोतवाली पुलिस थाना भी है। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।